धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा जनादेश लोकसभा नतीजों की तरह प्रचंड होना चाहिए और तमाम रिकॉर्ड टूटने चाहिए। हर बूथ से रिकॉर्ड वोट कमल के निशान पर लगने चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार नगरी कुरुना नगर अम्बाला और कैथल के साथ साथ करनाल जिलों के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने आए थे। जो काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है यह अभूतपूर्व है। खर्ची और पर्ची, खर्ची और पर्ची से हरियाणा के युवाओं को, माता पिता को मुक्ति दिलाने भर का ही काम, बहुत बड़ा काम भाजपा सरकार ने किया है, मनोहर सरकार ने किया। मैं हरियाणा में रहा हूं, मैंने सरकारें देखी हैं, मैंने यहां के लोगों से जिंदगी गुजारी है। ये खर्ची और पर्ची ने कितने परिवारों को तबाह कर दिया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज उस मुसीबत से आपको मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हम कर पाए, इसके लिए पूरा हरियाणा और विशेष करके हमारी युवा पीढ़ी, हमारे और हरियाणा की आने वाली कल, हमेशा हमेशा के लिए इस सरकार को, मनोहर लाल जी को और उनकी पूरी टीम को आजीवन आशीर्वाद देती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आज बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पहुंच के ही युवाओं को घर बैठे नौकरियां की चिट्ठी मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप कल्पना कीजिए, एक गरीब विधवा मां जिसने मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाई करवाई, नौकरी के लिए सिफारिश की इंतजार करती थी और मनोहर जी की सरकार बनने के बाद वो विधवा मां जिसने मुसीबतें झेल करके बच्चे बेटे बेटी को पढ़ाया था, कोई सिफारिश नहीं, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, और जब उसके घर में नौकरी का ऑर्डर पहुंचा होगा उस विधवा गरीब मां के कितने आशीर्वाद मिलते होंगे। हम उन आशीर्वाद के बदौलत आज आपके बीच में आए हैं। उन जनता जनार्दन के, उन भावनाओं के, उन आशीर्वाद की ताकत के बल पे आज हम आपके बीच आए हैं। साथियों, मनोहर लाल जी की सरकार ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। यहां की भाजपा पोस्टिंग उद्योग, तबादला उद्योग, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। इस इंडस्ट्री का अपना रेट कार्ड था, अपने तौर तरीके थे, इसकी ट्रांसफर करनी है तो इतना रेट लगता था, यहां जाना है तो इतना रेट, वहां जाना है तो इतना रेट। इस इंडस्ट्री के खेल में भ्रष्ट नेता भी कमाते थे और भ्रष्ट अफसर भी मलाई खाते थे। अब ट्रांसफर का काम ऑनलाइन करने की वजह से ये इंडस्ट्री भी तह गई है। इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग के जो दलाल हुआ करते थे वो अब सरकारी कार्यालयों के आसपास भी नहीं फटकते। अनेक कारणों से, उनमें से ये भी एक कारण है कि हरियाणा के लोग आज भाजपा सरकार को आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब अपने स्वार्थ के बजाय पूरे हरियाणा के हित की सोचने वाली सरकार होती है तब परिवर्तन होने लगता है। साल 2014 में जब यहां भाजपा की सरकार बनी तभी जब डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा 14वें स्थान पर था, आज छलांग लगा करके तीसरे स्थान पर पहुंच गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 5 वर्षों में हरियाणा में जितना निवेश आया है वह राज्य के लिए सबसे अधिक निवेश है। ये पूरा क्षेत्र तो
व्यापारियों और कारोबारियों का क्षेत्र है। देश विदेश में यहां के उद्यमी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जब निवेश के लिए माहौल अच्छा होता है तो उससे उद्योगों की संभावना बढ़ती है, रोजगार के अवसर बनते हैं, उद्योग लगते हैं तो सीधे रोजगार तो मिलते ही है, आसपास एक पूरा इकोसिस्टम भी बन जाता है। ऊपर से भाजपा सरकार व्यापारियों और कारोबारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। समस्याओं का तेजी से निपटारा हो सके इसके लिए राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड बनाया गया है। साथियों, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। इसकी वजह से विशेष तौर पर टूरिज्म के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत बड़े नए अवसर बन रहे हैं। टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि आज भारत दुनिया के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक बनता जा रहा है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।